थैंक यू। अभी तो दानकुनी बहुत सुने वाले, पता नहीं है दानकुनी से कितना देर में लगता है, कितना दूर है मतलब। तो ऑलमोस्ट दानकुनी शायद पहुंच गए हैं और अब दक्षिणेश्वर पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है और दक्षिणेश्वर से, अरे यार इतना गड्ढा में यार मेरा शॉकर जाएगा। अरे ऐसा रोड है घटिया सा, दूर से लगता है सीधा रोड है, सामने जाते गड्ढा। इस पर दिल से अच्छा रोड था ये, अभी पता नहीं कैसा रोड आने लग गया फालतू का। मेरा शॉकर जाएगा पक्का। दक्षिणेश्वर से मेरा घर ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पड़ता है, 20 या 15 ऐसा कुछ पड़ता है। रोड बहुत ख़राब है, शायद कुछ तो ख़राब होगा। तो देखो ये है चौथा टोल, अब कोलकाता घुस गए। ये दानकुनी का है ना शायद। रात में नींद पूरा हुआ नहीं है, नींद आने लग रहा है। बस पहुंच ही गए हैं, 20 किलोमीटर और होगा और क्या। अरे भाई ये क्या है इधर, इतना धूल। सच बताएं बात का रोड ना इससे लाख गुना अच्छा है। वहाँ पर एयरपोर्ट लिखा हुआ था सीधा लेफ्ट बाली। ये तो रोड याद है थोड़ा बहुत, टोल नंबर 5। सच बताएं मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ हैं। ब्रिज ये देखो, हुगली पहुंच गए हैं। दक्षिणेश्वर लगता है बन रहा है, उसमें कुछ काम चल रहा है और यहाँ पर तो हम जाम में ही फंसे हुए। इतना मुश्किल से ये सब रोड याद किए थे, सब के सब भूल गए। मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा, तब से चुपचाप से खाली यही देख रहे कि कहाँ रोड जा रहा है। यहाँ पर गर्मी बहुत है, याद आ गया कोलकाता। देर तक चला है, 260 किलोमीटर चला है, हाथ में दर्द नहीं हुआ। बस ये जो दक्षिणेश्वर से यहाँ तक में ना मेरा हालत ख़राब कर दिया, मेरा हाथ में पेन होने लग गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। क्या है कि थोड़ा वेट गेन हो गया है, तो उसी को वेट
को लॉस करने के लिए काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे हैं। खाने पे देखो अपने को सब्र नहीं होता, जो बात है साफ। तो क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खाने में कंट्रोल करते पर उतना नहीं हो पाता, मेरे से सच बता रहा हूँ। इसलिए वेट लॉस करने का काफ़ी दिन से ट्राई करो, देखिए कब तक होता है या पता नहीं कितना होगा। अप्रॉक्स मेरे को 10 kg कम करना है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। फिलहाल आज का वीडियो ऐसा कुछ खास नहीं रहेगा क्योंकि राइड उतना मैं नहीं करूँगा, मैं घर पे ही ब्लॉग बनाऊँगा, घर पे ही दिखाऊँगा। थोड़ा घर पे पार्टी वार्टी और चिकन और ये सब पार्टी होगा तो थोड़ा वो सब भी मैं दिखाऊँगा, रूममेट को दिखाऊँगा। फिलहाल मेरा रूम देख लीजिए, मैंने कल रूम का कुछ भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं कल थक भी गया था थोड़ा, और रूममेट लोग से बात करने में थोड़ा बिज़ी भी हो गया था, इसलिए थोड़ा नहीं दिखा पाया। तो फिलहाल ये रहा मेरा लैपटॉप, ये बेड जो बहुत ही गंदे तरीके से अभी है वो फ़िलहाल हो गई। यहाँ पर तो कोई देखने वाला है नहीं इसलिए मेरा रूम यहाँ पर ऐसे ही रहता है, ठीक है। और वहाँ पर मेरा कपड़ा फेंका हुआ है तो प्लीज़ इग्नोर। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा दो। हाँ, आज थोड़ा सा निकलेंगे शायद, तो थोड़ा राइड करेंगे तो उसका रिकॉर्ड कर पाएंगे तो करेंगे ज़रूर, क्योंकि मेमोरी मेरा उतना है नहीं। मैं एक्चुअली जो लैपटॉप लाया वो ऑफिस का है, मेरा पर्सनल नहीं है, तो मैं एडिट भी नहीं कर पाऊँगा इसलिए, क्योंकि मैं एक बैग में एक ही लैपटॉप कैरी कर सकता हूँ, तो एक ऑफिस का लैपटॉप लाना ज़रूरी था क्योंकि मैं इस वीक पूरा यहीं पर रहूँगा। रूम में सब कुछ दिखाएंगे थोड़ा बहुत, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, तो थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। फिलहाल रूममेट लोग से मिलवा देते हैं। ये है मेरा रूम। हाँ, ये एक मेरा रूममेट है और एक ये हाय, ये दूसरा भैया, इसको चाचा बोलते हैं। और ये एक रूम है, आज घर का ही ब्लॉगिंग है। और ये हम लोग का किचन है, ये भी बहुत मेस्ड अप है। और ये भैया का, इनका ठीक है तब भी। तो क्या चल रहा है, काटा काटी चल रहा है यहाँ पे, हम लोग चिकन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये हमारे होनहार लड़के जो कि बहुत कुछ खाना वाना जनाना जानते हैं, और इनका सैलरी 1,00,000 रुपया हो चुका है। खाना बनाने भी जानता है, देखने में भी स्मार्ट है, कहाँ मिलेगा ऐसा कंप्लीट। Pulsar 220 चलाता है। आज ही संपर्क करें, जो लड़कियाँ एकदम रिच हैंडसम गोल्डन डिगर टाइप्स हैं वो ऐसे लड़कों को फंसा सकती हैं।